श्री राधे, मान नरेंद्र मंदिर खंडवा, आप इधर हमारी आइए। जो आपको भीड़ संस्था मिल रहा है है। इसका नाम है माताजी गौशाला मानपुर। हाँ जी, इसका जो संरक्षण हो रहा है वो श्री श्री बाबा रमेश महाराज की देखरेख में हो रहा है और वही पूरी उसको चलाते हैं। अच्छा, ये जो गाय आप देख रहे हो, हाँ जी, ये हम कसाईयों से छुड़ा के या जो मार्केट में गांवों में आवारा जो डोलते हैं उनको पकड़ के और यहाँ ला करके इकट्ठित किया गया है। उधर हमारा गुलाबी बिल्डिंग हॉस्पिटल है जिसमें कि बीमार गाय या कमजोर गाय वो सब वहाँ एकत्रित, जिनका निरंतर इलाज चलता रहता है। अच्छा, वेटनरी डॉक्टर से जी। अच्छा, तो ये जो ये भी वही गाय, ये सब वही हैं। अच्छा, अच्छा, इनमें से जो बच्चा देती है वो अलग दूध जो देती है, अलग दूध निकालने के लिए, हाँ जी, वो अलग कर ली जाती है। हाँ, बाकी सब ये चारा खाओ। हाँ, और अपने यहाँ से फील्ड में, फील्ड से अंदर, अब ये जब चारा खा लेंगे तो उनको फील्ड में कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसकी सफाई हो जाएगी पूरे की। अच्छा, शाम के लिए फिर चारा डल जाएगा। हाँ, फिर रात को अंदर ले लिया जाएगा। ये तकरीबन कितना गाय रहेगा आपके पास? ये तकरीबन ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला है एक छत के नीचे। अच्छा, भारत की सबसे बड़ा, भारत की सबसे बड़ी गौशाला है एक छत के नीचे। इसमें करीब 40,000 गाय, 40,000 एट ए टाइम। जय जय श्री राधे। एक गौशाला है वहाँ पतमेड़ा में, पतमेड़ा तो उसमें क्या है कि 1.25 लाख गाय बताते हैं, मगर उनकी जो संस्था है वो अलग अलग गाँवों में, अच्छा अलग अलग जगहों पर उन्होंने ऐसा बनाया गया आश्रम, मगर एक छत के नीचे सबसे बड़ी गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला वृंदावन में बरसाना के पास है। जी, आजा आजा। इन लोग का कैसा देखभाल करने के लिए कैसा संस्था कुछ डोनेशन लेती क्या, नहीं तो ऐसा ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या करते हैं? बाहर से काफी लोगों का डोनेशन आता है, डोनेशन आता है, उसी से गौशाला चलती है। तो डोनेशन मतलब कैसा चाहिए, ऐसा ऋणम कैसे रूप में आता है, धन धन लक्ष्मी के हिसाब से, नहीं तो ऐसा कुछ छर्रा लेते हैं कैसा? नहीं, वो तो अकाउंट नंबर दे रखे हैं उसमें। अच्छा, सीधा अकाउंट्स में धन आ जाता है और वो धन हम यहाँ जैसे अच्छा, भूसा खरीदना, खल खरीदना, हाँ जी, हरा चारा खरीदना, वो सब हम यहाँ यूज करते हैं। एक दिन का खर्चा कितना होता है? एक दिन का खर्चा करीब करीब 11 लाख रुपये दिन का, गौशाला पर डे का, पर डे 11 लाख जी। अच्छा, तो ऐसा गो पूजा ऐसा कुछ करते हैं इधर कैसा? हाँ, सब कुछ करते सब हैं। कुछ सब कुछ चलता रहता है। हाँ जी, जय जय श्री राधे। गाय दूध देता है, वो गाय कितना दूध देने वाला? दूध देने वाला तो करीब ऐसा होगा 200-250 गाय। अच्छा, 250 गाय, वो भी हमने इन्हीं में से एकत्रित किया है। लगभग 100 गाय हम साहिवाल लाए थे, तो साहिवाल नस्ल अलग है नीचे वहाँ। हाँ जी, और इधर गोदान कर सकते क्या? गोदान क्या, नया गाय लेके दान करना, नहीं तो यही का यही ऐसा यहीं से लेकर के वो अलग हो जाएगी आपकी और यही। तो क्या क्या रुकम होगा गोदान के लिए? वो तो वहाँ ऑफिस में पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। जय जय श्री राधे।